Welcome back, everyone. I'm Kamal Sehgal Sood. You're watching the series Plants in My Balcony. आपको पता है, we have started with a beginner's guide, and the plant that we are going to discuss today is a very important plant, lemongrass. आज हम डिस्कस करेंगे lemongrass, इसको fever grass भी क्यों कहते हैं, इसके health benefits क्या हैं, और हम इसको कैसे easily अपने घर में propagate कर सकते हैं. So let's go about it. लेमन ग्रास साइंटिफिक नेम है इसका सिम्बोपोगोन. इसको हम और भी कहते हैं बार्ब्ड वायर ग्रास, सिल्की हेड्स, कोचीन ग्रास, मालाबार ग्रास और इनफैक्ट फीवर ग्रास, क्योंकि इसको इसके कंकॉक्शन को लेमन ग्रास को वाटर में बॉईल करके हम यूज़ करते हैं फॉर रिड्यूसिंग फीवर. इस प्लांट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट. ये रिलीफ करता है पेन एंड स्वेलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. रिड्यूसेस फीवर, मैंने आपको बताया है. इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन. इट इज़ फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स टू हेल्प्स आर बिल्डिंग आर इम्यूनिटी. इम्यूनिटी बढ़ाता है. हाई बीपी है जिनको, उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है. इट बूस्ट मेटाबॉलिज्म, बर्न्स फैट. इट इज़ ग्रेट फॉर स्किन एंड हेयर. अगर आपको अच्छी स्किन, शाइनी स्किन चाहिए, अच्छे हेयर्स चाहिए, लस्ट्रस, सो दिस प्लांट इज़ वेरी गुड फॉर यू. इट हील्स कोल्ड एंड फ्लू एंड इट ऑल्सो रिलीव्स मेंस्ट्रुअल पेन इन वुमेन. तो जस्ट थिंक कि कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसमें ये प्लांट आपको हेल्प नहीं करता. और इतना ईजी प्लांट है ग्रो करने के लिए. सन लविंग प्लांट है. बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है बिकॉज इट्स अ ग्रास. सो आज लेट्स सी कि बहुत इजी तरीके से, सिर्फ एक स्ट्रैंड से, एक ग्रास के स्ट्रैंड से कैसे आप मल्टीपल स्ट्रैंड्स इसके बना सकते हो. लेमन ग्रास को हम पानी में बॉईल करके एज अ टी ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट एट नाइट. ये देखिए, सारी ग्रास मैं यूज़ करूँगी अपने घर में. इनफैक्ट आप इसको सबको कलेक्ट करके रख सकते हैं किसी भी डिब्बे में बंद करके, और ये कभी भी आप इसको एज अ टी यूज़ कर सकते हो. अगर आप इसको सिर्फ पानी में बॉईल करते हैं, जैसे ये पूरी एक लीफ को, ऐसी तीन या चार लीफ को आप बॉईल करते हो पानी में, ऑलमोस्ट हाफ अ लीटर ऑफ वाटर, और उसको आप जिंजर डाल के ऐड करके पीते हो, दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी. ये कुछ भी हमने फेंकना नहीं है. ये सारी की सारी जो जितनी भी आपको लग रहा है कि ड्राई हो गई है ग्रास, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है. इसको हम स्टोर करके यूज़ करेंगे फॉर आर कंजप्शन. तो ये बहुत जल्दी ग्रो होता है. तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये ड्राई हो गया है, हम उसको रख सकते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए. थोड़ा ध्यान रखेंगे आप जब इसकी कटिंग करते हैं, क्योंकि बहुत शार्प ब्लेड्स हैं. ये एक देखिए, मेरे काटते काटते लग भी गया. सो इट इज़ वेरी वेरी शार्प ब्लेड, बहुत शार्प है इसका. ये इसको थोड़ा केयरफुली हम कट करेंगे, बट इसको एक बार हम कट कर लें तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए. अब ये देखिए, ये सारी की सारी जितनी भी एक्स्ट्रा ड्राइड लीव्स थी, ये मैंने रख ली हैं. वी आर गोइंग टू यूज़ इट फ्यूचर. मैंने जैसे आपको बताया, आप पानी में इसको बॉयल करके जिंजर के साथ ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग एंड इनफैक्ट लेट एट नाइट. फैट बर्नर की तरह एक्ट करता है. तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे प्रोपोगेट करेंगे. लेमन ग्रास को हम इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से. आपको एक ग्रास के स्ट्रैंड को बस अपरूट करना है. ये देखिए, ये इसका इतना बढ़िया रूट सिस्टम है. इस ग्रास को हम लेमन ग्रास क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसके लीव को तोड़ के ऐसे क्रश करते हैं और अगर आप इसका अरोमा चेक करोगे तो इतनी अच्छी लेमन की खुशबू आती है, नींबू की खुशबू आती है इसमें से. और
बहुत ही बढ़िया लगता है ये प्लांट। ये स्टेम्स निकालनी हैं और इनको हम बेसिकली अब ग्रो करेंगे। आप रूट सिस्टम के साथ भी ग्रो कर सकते हो, आप बिना रूट सिस्टम के साथ भी ग्रो कर सकते हो, यार बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। आप कोई भी सिंपल पॉट ले सकते हो, मैं ये वाले हैंगिंग पॉट्स ले रही हूँ जो मैंने किचन के जस्ट बाहर लगाए हुए हैं अपने। तो ये बस आपको डायरेक्टली इसको सो करना है। और कुछ ही दिनों में आपको इसके ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको दे सकते हो। लेमन ग्रास इतनी ग्रो हो जाएगी आपके घर में, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नॉर्मल हमने सॉइल मिक्सचर यूज़ किया है विद 60% सॉइल, 20% काउ डंग एंड 20% वी हैव यूज कोको पीट। और इसमें बस अब देखिए इसको स्ट्रैंड्स को हमने लगा दिया है एंड दे विल बी वेजिटेटिवली प्रोपोगेटिंग। ऐसी ही सेम हमने इसको ग्रो किया था जो बड़े वाला प्लांट है, और बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इस प्लांट का एक और यूज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में लेमन ग्रास है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके घर के आसपास मॉस्क्यूटोज नहीं आते हैं, तो अगर आप अपने घर पे विंडोज़ में कहीं पे भी लेमन ग्रास को रखते हो तो आपके घर में मॉस्क्यूटोज नहीं आते हैं, क्योंकि इट इज़ अ मॉस्क्यूटो रिपेलिंग प्लांट। सो दिस इज़ ऑल्सो वन एडवांटेज। इतनी सारी एडवांटेज है इस प्लांट की, इनफैक्ट ये मॉस्क्यूटो रिपेलेंट की तरह भी एक्ट करता है। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस प्लांट, और आप अपने घर में ज़रूर ग्रो करोगे, बिकॉज बहुत बहुत ईजी टू मेंटेन प्लांट है। कोई फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, दो दिन में एक बार अगर आप पानी दोगे तो भी चलेगा। ऑप्टिमम सनलाइट चाहिए इस प्लांट को ग्रो करने के लिए, और आप बहुत ईजिली इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स लीव्स को ज़रूर आप यूज़ कीजिए फॉर डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। You have known the health benefits of this plant और कितना easily हम इसको cultivate कर सकते हैं। Do like, share and subscribe. Share the information with your friends and family and do subscribe to us. Thank you so much everyone for watching.